ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। How romantic. वो FIR लिखवाने आई है संतू, कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें, हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जवान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। पिया तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे, और वो कबीर, वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार ऐसे प्रपोज करने से ना, पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाँ, लगे कैसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार है जी। कौन? थैंक यू वेरी मच संतु जी, देखिए ना क्या बोल रही है। हाँ हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है, कहता है उसे सब याद आ गया है, और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सर फिर आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमको धमकी देता है? नहीं नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है, पर वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी बुलाते हैं। कब बात कर रही हो तुम? हमें यही डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए पिया, ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए, इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए आइए, चलिए आइए चलिए। मैडम सर, ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कबीर कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है, ऐसा धोबी पछाड़ देंगी ना उनको कि अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किए ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। हाँ बहुत अच्छे है। कौन? आ गया, आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता नाम है। नहीं आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है, चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु, सॉरी एस फॉर संतु। सो क्यूट।
जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप एकदम चीता के तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतु, ऐसा लगता है आपको? बस 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 बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतु जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? इसका दिल हमको चाहिए, वो दे दे तो कल। दे दे दे, बाय बोल रही हूँ, बाय बाय बाय। गई वो। चलिए। इधर इधर इधर। पुष्पा जी, कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो? हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है वो। हाँ ठीक है, उतरिए फिर, यहीं बैठ के देखते हैं। उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे छिरकुट, वावा तो कर। वावा पिया, वावा। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर है। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे भाई भाई यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं भैया, शिद्दत, शिद्दत। अरे यार तू शिद्दत रख ले, यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह, फिर गलत बोल दिए, हर्रे नहीं, जर्रे ने, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपने मैडम जी। जी मैडम जी। जी, मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी है? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे, तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे वावा तो कर। वावा वावा भैया वावा। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना जाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह, जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल दे। चुप रहो, तुम्हारा समुंदर ना दो चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेंट किया तुम्हारे खिलाफ, उसके आसपास भटकना मत वरना अंदर कर देंगे सीधा, समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेंट की है? जी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम जी आपको ना गलती हो रही है, वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना तो आप वो ना नदान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है, माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हा? नहीं नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन, यकीन। अरे हाँ वही कीजिए। सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं पिया को, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया, कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। एक मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना? वरना क्या करेंगी, मारेंगी? नहीं नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम ने मैडम से ऐसे वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। क्या जरूरत था ये कहने का, हम डरा रहे हैं ना? हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे, जाइए। ए आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना या उसके आसपास भी भटके ना, घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी,
आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हैं और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों, प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना तो बांध दीजिए हाथ कड़ी, ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा, हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है। अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। जब हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम, लगता फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना, एक काम करो, खुद को खर्च कर दो आप, मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अभी के अभी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया। हाँ हाँ शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना आप तो? कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुग्गे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो चार पैसे आएंगे, हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। था ना प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे इतने अच्छे हैं। अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए। सब ठीक है? जी सर, everything is fine। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद। मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा,
वो हमारा एक पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है, जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे, आप जब चाहे आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओ हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है, जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। भैया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना, हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते, अब तो हमने साबित कर दिया कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होंगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू, मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया, बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी। एक सरफिरे आशिक को बेगुनाह आशिक बना के रख दिया, क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहां अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ। आप भी तो रोक सकती थी ना हमें, हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा, आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपकी जूनियर होते हैं, और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुकुम चलाने लग गए ना, तो दो दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सास बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी, समझ रही हैं आप हमारी बात? बस करेंगे आप लोग, कभी कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का, ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स, किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो, अरे पिया, तुम पिया, हाँ, तुम रो कह रही हो, कबीर ने कुछ तंग किया क्या, कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया, वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तो मैं कबीर को ही आकर दूं और उससे शादी कर लूं। क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारे घर वाले या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो, का उल्टा बात कर रहे हैं? देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे, हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारे जीवन साथी बने, क्या तुम ये चाहती हो, क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ, अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो,
उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो. उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है. होगा कैसे मैडम सर? रोमांस पिया जी के नहीं नहीं मैडम सर नहीं नो नो मैडम सर. मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर. क्या एक्टिंग? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको. देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था. मैडम सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही है. नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर वो क्या, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना. चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू? देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे. लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको. जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी. वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी. पिया, देखो हम जानते हैं कि इस तरह एक अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है. अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है. नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो. हाँ हाँ, चीते को तो क्या तकलीफ होगी, ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है. संतु जी. हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते. तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए. चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतु जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का नाटक करने का मौका मिलेगा. जाइए जाइए, आप दोनों इन्हें घर छोड़कर आइए. हां संतोष जी, नहीं चलिए चलिए सर, अगर हम तीन जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना, अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी. वो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना. शी इज राइट, जाइए. मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने. चल मैडम. बाप रे बाप, अरे यार नहीं नहीं. मैडम सर एक सेकंड, एक बात पूछना था. कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है तो हम वही करेंगे. नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना, क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर. ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं. गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी, इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है. क्या है ना करिश्मा सिंह, कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है. हम उस तक नहीं पहुंच सकते. हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है, इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे. अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे. जय हिंद. जय हिंद. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.